नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हमारे खान पीन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड की रवाई यमुना घाटी के विशिष्ट पारंपरिक स्वादिष्ट पौष्टिक और सुपाच्य व्यंजन। हमारे साथ हैं जमुना रावत जी। जमुना रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। अब हम दीदी की तरफ जाएंगे और पूछेंगे कि आप कौन सी डिश हमें बनाना सिखा रही हैं दीदी। ये है आसके। आसके हम बनाने वाले हैं। ये बनते हैं चावल का आटा जी और मक्की का और कौड़ी चीना जी। विशेष प्रकार का मिश्रण है ये आटे का, जिसमें मिलाया गया है एक चावल है, मक्की है और कौड़ी है, चीना है। इन चारों प्रकार के खाद्यान्नों को मिलाकर पीसा गया है, चक्की में पीसकर ये आटा बना है और इस आटे से बनेगा आसका। तो बनाने की विधि तो दीदी ही बताएंगी। उसके बाद क्या करते हैं, गुनगुना पानी के साथ इसको फेंटते हैं। उसके बाद जैसे हमने कर दिया ये लगभग उसके बाद 4 चम्मच आटा हमने लिया है, आधा कटोरी से भी कम पानी लिया है और इसे मिलाना है, फेंटना है, इसका बैटर तैयार करेंगे। उसके बाद धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार आप, नमक, थोड़ा सा नमक, धनिया के पत्ते, लहसुन के पत्ते भी डाल सकते हैं आप, ऊपर से चाहे कुछ भी मिश्रण डालो। अगर आप इसमें कुछ अच्छा और स्वाद आएगा, मिलाना चाहते हैं, इसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए आप धनिया के पत्ते, लहसुन के पत्ते, प्याज के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हरी प्याज खाना पसंद करते हैं या सूखी प्याज खाना पसंद करते हैं वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। और लगभग 4 चम्मच, ये एक व्यक्ति के लिए, एक आसका बनाने के लिए है, 4 चम्मच आटा है और आधी कटोरी से कम का पानी है और इसे बैटर इसका बनाएंगे, इसका घोल तैयार करेंगे। और इसका जो है घोल तैयार हो गया, घोल तैयार करेंगे अच्छे से, खूब इसे घुमाएंगे और जब तक अच्छी तरह से ये मिल ना जाए, मिक्स ना हो जाए, तब तक इसे घुमाते रहना है। और साथ ही हम तैयारी करेंगे कि हमें गैस पे भी कुछ रखना होगा। उसके बाद हम जो है गैस पे, गैस को ऑन करेंगे और गैस पे क्या रखेंगे, तवा। तवे का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं आसके बनाने के लिए। गैस ऑन किया, गैस पे तवा रखा है। वैसे मुझे याद है कि शायद गांव में इसके लिए एक विशेष प्रकार का बर्तन होता था, उसको अस्काई बोलते, जो कि मिट्टी का एक बर्तन होता था और हाँ। मिट्टी के बर्तन को गर्म करके, क्योंकि गांव में तो चूल्हे पे भोजन बनता है और बहुत स्वादिष्ट होता है, तो गांव में अस्काई का प्रयोग होता था, मिट्टी का बर्तन, और उस पे जो है ये इसका बनाया जाता था। लेकिन दीदी ने तो एक नया प्रयोग कर दिया कि हम तवे पर आसानी से बना सकते हैं, यानी कि हम अब जो है घर घर में कोई भी इसे आराम से बना सकता है। तो हम तैयार कर रहे हैं इसके लिए बैटर, जिसे हम खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इस बैटर को खूब अच्छे से मिक्स करना है। इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी पानी की ज़रूरत पड़ेगी पर, लेकिन ये जो घोल है पहले से भी बना सकते हैं हम, और मैं भी इसे कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरा सीखने का प्रयास कर रही हूँ कि मैं भी ये आसके आज जाकर पूरी फैमिली को खिलाऊं। ये हमने खूब अच्छे से बैटर तैयार किया है, बस हो गया। और लगभग देखिए बैटर कुछ इस तरह से होना चाहिए, एकदम से पतला भी ना हो, अन्यथा वो चिपक भी सकता है। ये बैटर कुछ इस तरह से होना चाहिए, एकदम पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक है, और क्योंकि ज़्यादा पतला अगर हम इसे करेंगे तो ये चिपक भी सकता है और हमारा जो आसका बनने वाला है वो टूट भी सकता है। काफ़ी देर हमें, लगभग 1 से 2 मिनट इसको हमने खूब फेंट लिया है और इसका ये बैटर जो है लगभग तैयार हो चुका है, तैयार हो और गया। अब हमने थोड़ा सा घी तवे पर लगाया है और ये दीदी करके, अच्छा घी को थोड़ा फैला दिया, बहुत थोड़ा सा मात्रा में घी का यूज़ किया है और ये जो बैटर है तवे पर फैला दिया है, ठीक हो गया। बहुत अच्छे तरीके से बैटर को मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी सीख पाऊँ आपसे, आप तो पारंगत हैं पर मुझे गोल गोल से बनाना नहीं आता है। और ये हमने इसे एक राउंड शेप दिया है, और अब इस पे क्या करना है, इस पे
ये वाला रखना है। दर्शकों ये अस्का बन रहा है, इसे हमने ढक दिया है और ध्यान रखना है कि चिपके ना, उसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल आप लगा सकते हैं किनारे पे, इसके सतह पे लगा सकते हैं। और उसके बाद जब हम अस्का बनने के लिए ये तैयार होगा, उसके लिए आँच भी थोड़ा कम करनी होगी, क्योंकि अगर तेज आँच होगी तो तेज आँच में ये अस्का जल जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी आँच हम दीदी कम कर देते हैं, इसकी कम कर रखी, इसका जो फ्लेम है वो कम कर दिया है, मीडियम से थोड़ा नीचे रखना है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए जो है पकाना है। और इसकी विशेषता बताइए दीदी कि इसमें क्या खासियत है, क्यों हम इसको बनाते हैं बार बार? ये जो है जी, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जैसे त्यौहार भी होता है ये किस्म से हमारा, ये हाँ अस्काड़ी त्यौहार, अस्काड़ी हाँ, अस्काड़ी का त्यौहार होता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि रवाई तो वैसे भी प्रसिद्ध है अपने त्यौहारों के लिए, अपने खान पान के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और जो कहीं ना कहीं लुप्त थोड़ा थोड़ा होने लगी है, लेकिन आज फिर से हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि अपनी जो परंपराएं हैं, हमारे जो परंपरागत भोज्य पदार्थ हैं, वो सच में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिश्रण बना था अस्के के लिए, जो मिश्रण हमने बनाया वो आटा था, चावल का आटा, मक्की का आटा और चीड़े का आटा और कौड़ी का, ये 4 प्रकार के खाद्यान्न जो बहुत ही पौष्टिक हैं और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, इन सबको मिलाकर बनाया हमने आज ये। बनाने के लिए भी ये सरल तरीका है, बहुत ज्यादा गैस आसानी से ये बन जाता है और ज्यादा समय भी इसमें नहीं लगता, खाने में भी हल्का है, सुपाच्य है, तो जाहिर सी बात है कि हमें ये किसी भी प्रकार से जो है नुकसान नहीं देता है। और बनकर तैयार हुआ या नहीं चेक करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा अभी थोड़ा कसर बाकी है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा समय और इसमें लगने वाला है कि ये पकेगा। और तब तक हम इसके बारे में और जानेंगे। इसके इसका एक और तरीका भी है ना, कहीं कभी मैंने देखा कि दाल मिलाकर भी इसे बनाया जाता है, दाल भी डाल सकते हैं, मीठा भी डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग पसंद करें। बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि वैरायटी है इस एक अस्के में, 3 प्रकार की वैरायटी है। आप इसमें नमक मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें दाल डालकर इसे बना सकते हैं, आप मीठा खाने के अगर शौकीन हैं, मीठा पसंद करते हैं, तो आप मीठे का उपयोग करके भी इसे बना सकते हैं ये। लेकिन हमने दूसरा तरीके से वो करा इसको ना जी, हमने धनिया के पत्ते डाले, नमक, हम नमक वाले डाले। हाँ, हम नमक वाले आज हम तो टेस्ट करने वाले नमक वाले सब चीज में जी, धनिया के पत्ते, वो तरीका सरल है। तो दीदी हम बात कर रहे थे कि हमारे रवाई में ये बनते हैं, अस्काड़ी का त्यौहार आप बता रही थी, तो उस दिन विशेष होता है ना, ये आता है फरवरी में, फरवरी में, ठीक है, फरवरी लगभग, अभी हम फरवरी मार्च, यानी कि ये बसंत ऋतु के आसपास का ये त्यौहार है और इस विशेष दिन होता है दर्शकों इसका, कि विशेष दिन पे गाँव में सभी लोग हर घर में अस्के बनाए जाते हैं, विशेष बर्तन भी विशेष है और ये मिश्रण भी विशेष है, इसका जो स्वाद है वो भी विशेष है ना दीदी? तो देखें तैयार हुआ या नहीं, बस हो गया तैयार, हो गया तैयार। अरे वाह, अब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट का समय, इसको इसे हम बंद करेंगे, बंद हो गया फिर और देखेंगे कि इसकी पहचान है कि हम कैसे पता करें कि ये पक गया है या नहीं। इसे चाकू से हम देखेंगे कि पका या नहीं, पकने का तरीका देख सकते हैं, अगर चाकू चिपक रहा है तो ये कच्चा होगा, है ना, और चाकू चिपक नहीं रहा है तो पक्का। बस बन गया है ये अस्का, अस्का बन गया। इसके ऊपर जो है कुछ कुछ पिज़्ज़े की याद तो नहीं आ रही आप लोगों को, पहाड़ी पिज़्ज़ा आप इसको बोल सकते हैं। और एक और हमने बनाया है ये अस्का, और बहुत ही टेस्टी, सुपाच्य और सेहत के लिए बहुत दूसरा अच्छा होने वाला है। और इसे आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, अगर आप चटनी खाना पसंद करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत, देखने में तो काफ़ी अच्छा है और खाने में मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्दी ये होने वाला है। मैं इन्हें खाने जा रही हूँ और देखते हैं ज़रा इसका टेस्ट कैसा बना है। लाजवाब स्वाद है, हल्का सॉल्टी है, हल्का मीठा है और
ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत ही सुपाच्य है, आप ज़रूर बनाइएगा। दर्शकों ये थे अस्के और बहुत टेस्टी थे, सॉल्टी थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा इसका स्वाद था, बहुत सुपाच्य है, बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप भी बनाइए ज़रूर और खाइए, बताइए कि कैसा लगा आपको ये खाने में अस्का। दर्शकों अभी हमने स्वाद लिया अस्के का, बहुत स्वादिष्ट था और सुपाच्य भी, और अब हम फिर से जमुना रावत जी से बात करेंगे कि अब हमें कौन सा व्यंजन बनाना सिखा रही हैं। तो दीदी कौन सा व्यंजन हम बनाएंगे अभी? अब बनाएंगे हम सीढ़े। सीढ़े बनाएंगे, चावल के आटे से बनता जी, चावल के आटे से बनने वाला व्यंजन है सीढ़े। उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे, गैस ऑन कीजिए, गैस ऑन हो गई है। फिर कढ़ाई, कढ़ाई हमने रख ली है उसके बाद, और कढ़ाई में डालेंगे हम पानी, पानी पानी का यूज है हर चीज में, आधा गिलास के लगभग पानी है, और कढ़ाई हो गई हमारी, पानी को गर्म होने देंगे थोड़ा सा गर्म। इसमें हम मिलाएंगे क्या? थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार नमक होगा, और ये देखो दर्शकों इसमें पानी गरम होने के लिए रख दिया गया है, और साथ में थोड़ा सा नमक, हल्का नमक हमने डाला है, और हम अब इसमें क्या डालेंगे दीदी? उसके बाद डालेंगे हम चावल का आटा और गेहूं का आटा, चावल और गेहूं के दोनों कट्ठे पिसवा रखे ये चक्की से। आटे से बना हुआ मिश्रण है जिससे बनाने जा रहे हैं सीढ़े, सीढ़े सीढ़े बनेगा, गेहूं और चावल के आटे का मिश्रण है। उसके बाद फिर यूं ही इसे भी हमने पहले की तरह ही अच्छे से मिलाना है आटे को पानी के साथ, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी ज़्यादा ना हो ताकि आटा गीला नहीं होना चाहिए, आटे को गूंथा हुआ होना चाहिए, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं लगभग उसी तरह का आटा, उसी तरह मुझे लग रहा है कि इसी तरह का आटा बन रहा है, लेकिन आटा गरम पानी के साथ गूंथा जा रहा है। थोड़ा सा जी पकाना है इसको, और इसमें हम और कौन कौन सी चीज़ें दीदी मिलाने वाले हैं सीढ़े के लिए? इसके बाद है, अभी तो आटा गूंथना है जी, उसके बाद जो है ये तिल और गुड़, आटे को बहुत अच्छी तरह से मिलाना है, और साथ ही इसमें थोड़ा स्टफिंग के लिए क्या डाल सकते, क्या हम यूज़ करेंगे? थोड़ा सा तेल की मात्रा डाली है क्योंकि आटा हल्का सा चिपकने लगा है नीचे, और इसीलिए इसमें थोड़ा सा तेल डाला गया है ताकि ये चिपके ना। गैस हमने ऑफ कर दिया है, और अब ज़्यादा भी नहीं पकाना पड़ता, ये खुद ही पक जाता, ब्राउन नहीं होना ना ये, इसको जो है इसको आटा चिपकने से पहले ही इसे गैस को ऑफ करना है, क्योंकि आटा चिपकना नहीं चाहिए, आटा ब्राउन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ हम इसे पका रहे हैं, और ना चिपकने के लिए हल्का सा इसमें तेल हमने मिलाया है, गरम गरम ही इसको गूंथना है। इसकी खासियत है कि अगर हम इसे ठंडा होने देंगे तो ये ख़राब हो जाए। तो आटा जो है तैयार हो चुका है लगभग, इस तरह से इसका लड्डू बना लिया है, और ये है तिल और गुड़ और अखरोट, और नारियल के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, इसके अंदर डाला जाता है तिल और अखरोट जी मिक्स करके जी। और फिर गुड़, मीठे के लिए गुड़। दर्शकों आपको मैं बता देती हूँ कि जो सीढ़े हैं वो एक स्टफिंग वाला व्यंजन है जिसे हम भरवा भर करके भरेंगे, और भरवावन के लिए दीदी ने ये तैयार किया है मिश्रण, जो कि किस किस चीज़ से बना है दीदी ये मिश्रण? ये है इसमें तिल, तिल गुड़ और नारियल, ऊपर से कुछ भी डाल सकते हैं, अखरोट हो, मतलब ड्राई फ्रूट का यूज़ भी हम कर सकते हैं। अमूमन इसमें जो है गुड़ डाला गया है, तिल डाला गया है, अखरोट है, नारियल है, नारियल को कस के डाला गया है,
तिल को और अखरोट को पीसा गया है, गुड़ के साथ मिक्स किया गया है। इसके अलावा अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो आप ड्राई फ्रूट भी यूज कर सकते हैं, बादाम यूज कर सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, और काफी पौष्टिक और बनने वाला है ये सीढ़े। ये है आटा, ये बन गया, हमने गूंथ लिया है आटे को, गूंथ गाँथ के उसके बाद जो लोई लोइयां बनाएंगे, छोटी छोटी लोई बनाएंगे इस तरीके से, लोई के जैसे ही बनाना है और फिर इसे फैला देना है, ऐसे यूं करके फैलाओ जी। तो मैं भी कोशिश करके देखती हूँ कि मुझसे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, करो कोशिश। और ये इसके बाद जो है ये अंदर से यूं भरना है, पीढ़ी बनाई है, यूं भरना है, फिर दोनों को मिला सकते हो इकट्ठे। अच्छा, दोनों को मिला देना है यूं करके, फिर इसमें चाहो तो और कलाकारी भी कर सकते हो आप, कलाकारी भी कर सकते हैं। ये कुछ कुछ गुजिया के जैसा दिख रहा है भाई, ये बन गया होली के त्योहार पे बनने वाली जो गुजिया है उसकी तरह है। और फिर इसको क्या करेंगे दीदी, हम इसको हम बना है इनको यूं करके मिलाए दोनों को, और फिर किनारे से ऐसे ऐसे थोड़ा सा मोड़ते हुए इसमें एक सुंदर सा डिजाइन इन्होंने दे दिया है। अगर आप बस यूं करके डिजाइन बनाना चाहते हैं, मैंने भी एक कोशिश की है दर्शकों, देखो और काफी आसानी से ये बन रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और देखिए देखिए कुछ कुछ एक मिठाई का कुछ याद आ रहा है, कुछ कलाकंद जैसा इसका देखने में लग रहा है, कलाकंद है। खाने में तो तभी पता चलेगा जब ये बनकर तैयार होगा, तो बहुत आसान सा दिखाई दिया बनाने में, और आप भी बनाएंगे। अब दीदी हम इसके लिए क्या करने वाले हैं भाई, इसके लिए पानी रखना है, पानी गर्म करने के लिए रखेंगे, ये गैस ऑन करेंगे और पानी जो है, और अब हम इसके लिए पकाने की तैयारी करेंगे। और क्या करें, पानी गर्म करने के लिए करने के बाद ठीक है, इसके पानी रख दिया है और काफी देर तक इसे गर्म होना, यानी जब तक इसमें भाप ना आ जाए, खोले ना पानी, तब तक इसे पानी को गर्म करते रहना है। तो दीदी बताएं जरा, इसके जो बना रहे हैं हम सीढ़े बना रहे हैं ना, आटे और जो गेहूं का आटा है और चावल का आटा है, उसके मिक्स करके जो इसका जो बाहर का जो स्टफ है, जो गूंथा जाता है आटा, वो बनता है। अंदर भरने के लिए इसमें ड्राई फ्रूट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग गुड़, तिल, अखरोट, इन सबको मिक्स करके इसके अंदर भरावन करते हैं और फिर भाप में पकाया जाता है। तो कुछ याद आ रहा होगा आपको, आजकल मोमो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं पहाड़ी सीढ़े का, और बहुत ही टेस्टी ये डिश बनने वाली है। और पानी लगभग गर्म होने को है, अभी भाप नहीं आई है, जब पानी में भाप आएगी फिर हम इन सीढ़ों को क्या करेंगे दीदी, फिर भाप पकने के लिए रखेंगे। ये भाप में बनने वाला व्यंजन है दर्शकों, बहुत अच्छी बात है ना कि ऑयली चीज़ों से हम लोग दूर रहना चाहते हैं, जंक फूड से दूर अगर हम रहना चाहते हैं, तो हमारे जो पहाड़ी जो व्यंजन है, हमारे रवाई यमुना घाटी के जो ये पहाड़ी व्यंजन है, बिल्कुल शुद्ध हैं, जैविक हैं, तेल का जो इनमें नाम भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भाप में बनने वाले स्टीम्ड जो ये व्यंजन है, काफ़ी पौष्टिक है हम सभी के लिए। ये तो दीदी पानी गर्म हो रहा है, अभी भाप नहीं आया है, जैसे हमारे गांव में पहले ये नहीं होते थे जी, उसके बाद हाँ मुझे याद आया दीदी कि अब तो पतेले पे रखते थे पानी, पतेला हो, फोल्टा हो, कुछ भी जैसे गांव में होते हैं जी, तो उसमें रखते थे पानी, फिर उसके ऊपर घास घूस रख देते थे उसके अंदर जी। दर्शकों अब तो हमारे पास स्टीमर है, सुविधा है, पहले जब बनाना आज के टाइम में आसान है, लेकिन पहले थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि गांव में इसके लिए एक विशेष बर्तन होता था, पतीला होता था, उसे रखते, उसके अंदर क्या क्या रखते, उसके अंदर घास घूस जैसे पराल, जैसे वो उसका होता ना धान, हरी घास या सूखी हुई घास रखते, फिर कुछ पत्तों से उसको ढका जाता, फिर ये सब चीजें बनाई जाती, फिर इसको स्टीम होने के लिए रखा जाता, काफी लंबी प्रोसेस थी। आज तो स्टीमर हमारे पास है, हम बहुत जल्दी इसे बना सकते हैं, सरल तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से। और मैं देख रही हूँ कि कुछ इसमें बुलबुले उठने लगे हैं पानी, तो दीदी अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पत्ते लगाए हैं आपने नीचे लगाए, और ये जो सीढ़े हैं ये बनने के लिए रख दिए भाप में पकने के लिए, ये तो बहुत ही अच्छा व्यंजन है। फिर
ये हो गए हमारे सिरे जी, और इसे हम ढककर ऊपर से रख देंगे। लगभग कितना समय इसमें लगेगा? इसमें लगेगा सिरों को बनने में 5-7 मिनट में। 5-7 मिनट का समय भाप में पकने के लिए सिरों को रखा गया है। और दर्शकों, आपने ध्यान किया होगा कि अक्टूबर और नवंबर की बात दीदी ने बोली कि अक्टूबर और नवंबर के दौरान ये सिरे बनते हैं हमारे रवाई क्षेत्र में। कारण भी विशेष है, सर्दियों की शुरुआत है और गर्म चीज़ों का जो है खाना, ताकि हमारा जो शरीर है वो आने वाली सर्दी है उसके लिए परिपक्व हो जाए, है ना। अच्छा। कुछ इसी तरह का लग रहा है कि विशेष महत्व है इन पकवानों का। ऐसे ही ये पकवान इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, या हमारी जो परंपरा चली आ रही है, हमारी जो संस्कृति चली आ रही है पकवानों को लेकर, कुछ ना कुछ महत्व इनका ज़रूर है। और पौष्टिक है, गर्म भी है, और साथ ही क्या है कि बिना तेल के हैं, भाप में बनने वाले हैं, और त्योहारों के साथ तो हम इसका आनंद लेते ही हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना समय और अभी होगा बनने के लिए। थोड़ा सा ये 2 मिनट और अभी लगता है कि थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय अभी और रहेगा। और आंच को तेज ही रखना है या कम करना है? थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जब पानी अच्छे से खौलने लगे 2-3 मिनट के बाद आंच को थोड़ा सा कम कर दें, ताकि ये और अच्छी तरह से स्टीम हो पाए। तो दीदी देख लेते हैं कि हमारे सिरे बनकर तैयार हुए या नहीं हुए। और बस गैस ऑन करते हैं जी, गैस को ऑफ कर देंगे और देखेंगे। देखने का तरीका वही है, चाकू की नोक पर हम देखेंगे, अगर चाकू चिपक रहा है तो सिरे तैयार नहीं है, और अगर नहीं चिपक रहा है तो सिरे जो हैं हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और खाने में तो हम तभी बताएंगे, इसको मैं टेस्ट करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, कितना अच्छा है। देखने में काफ़ी अच्छा है, इसकी स्टफिंग भी दिखाई दे रही है, और ये मैं खाने जा रही हूँ। काफ़ी अलग स्वाद है इसका, अच्छा है, हल्का नमकीन भी है, हल्का मीठा भी है, काफ़ी पौष्टिक भी है ये। और जो है आप लोग इसे ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि मैं तो पक्का बनाने वाली हूँ आज ही जाके। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया है इसे खाने में, और आपको भी मज़ा आने वाला है, ज़रूर बनाइए। पहाड़ी व्यंजन है, रवाई घाटी का खास व्यंजन सिरे। दीदी आपको हम फिर से बताएंगे कि आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए गेहूँ और चावल का आटा, जिसे आपने गर्म पानी के साथ गूंथना है, गैस पर धीमी आंच पर मिला करके गूंथना है, आटा बनाना है, छोटी छोटी लोइयां बनानी है, और छोटी छोटी सी पीढ़ी बनाने के बाद इसमें जो हम भरेंगे स्टफिंग के लिए, नारियल, तिल, गुड़ और अखरोट भी था, साथ ही अगर आप ड्राई फ्रूट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसे भरिए, स्टफ कीजिए और डाल सकते हैं अंदर से स्वाद गैस अनुसार में स्टीम कीजिए। दर्शकों, आज हमने सीखा रवाई यमुना घाटी के पारंपरिक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाने की विधि, और जिन्हें हम बताया हमारे साथ हमारी दीदी जमुना रावा जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप हमारे कार्यक्रम में आई। और दर्शकों, फिर किसी दिन आपसे इसी प्रकार के कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।